नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। रायपुर जिला महासचिव प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में आज सैकड़ों छात्रों ने निजी विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही अवैध वसूली के विरोध में राजभवन तक मार्च कर कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा गया। महासचिव गोस्वामी ने बताया कि अमेठी यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित अवधि से एक माह पश्चात शुल्क अदा करने पर 15,000 रुपए छात्र छात्राओं से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी द्वारा विधि पाठ्यक्रम बिना बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की अनुमति के बगैर ही फर्जी तरीके से संचालित की जा रही है तथा दोनों ही विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को 100% प्लेसमेंट का वादा किया जाता है, लेकिन अब तक ये दोनों ही विश्वविद्यालय 30% छात्र छात्राओं को रोजगार देने में विफल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर NSUI ने राजभवन मार्च कर दोनों विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द करने तथा कार्यवाही करने की मांग की है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निखिल वंजरी, अभिनव शर्मा, राजकुमार यादव, अंकित शर्मा, भूपेश वर्मा, प्रशांत चंद्राकर, शिवांक सिंह, संदीप विश्वकर्मा, दिव्यांश विराट, अनिमेश भूपेंद्र, भूपेश यश, हर्षित सहित सैकड़ों NSUI छात्र नेता मौजूद रहे। देखिए, प्रदेश की दो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी एवं MET यूनिवर्सिटी द्वारा हो रहे फर्जीवाड़ा और अवैध वसूली के खिलाफ आज हम राजभवन मार्च कर रहे हैं। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी द्वारा लॉ का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, लेकिन सत्र 2021-22 के 300 छात्रों का एडमिशन हो चुका है, वहीं 2022-23 सत्र का दाखिला चालू है। अभी तक श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी द्वारा BCI की मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर MET विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि से एक माह पश्चात फीस अदा करने पर 15,000 रुपये पेनाल्टी के तौर पर लिया जाता है, जो एक अवैध वसूली है। साथ ही साथ ये दोनों विश्वविद्यालय 100% प्लेसमेंट के वादे करते हैं, किंतु छात्र छात्राओं से बात करने पर पता चला कि ये 15% प्लेसमेंट देने में भी असमर्थ रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम रायपुर जिला NSUI के कार्यकर्ता समस्त छात्र छात्राओं के साथ राजभवन मार्च कर माननीय राज्यपाल महोदया से ये निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अभी हम अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम विश्वविद्यालय बंद तालाबंदी की ओर अग्रसर होंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती रायपुर जिला NSUI के कार्यकर्ता छात्र छात्राओं के साथ लगातार आंदोलन करते रहेंगे। प्रशांत गोस्वामी, NSUI जिला महासचिव। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21, आपके हक की बात।